ਬੜੀ ਹੋ ਜੀ ਸੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਕਿੱਥੇ ਜੇ छोटी मोटी गड्डी जी एम्बूलेंस हो रेलवे वाले का अपना डाटा है डिपार्टमेंट का जलंधर का जो रामनगर का रेलवे क्रॉसिंग है उत्थे है क्योंकि बहुत सारे इस इलाके रहने वाले लोग आते हैं बड़े लंबे समय तो मांग है कि ये जो फाटक है जो रेलवे क्रॉसिंग है इतने आर ओ बी या आर यू बी बनाया गया क्योंकि इतने बहुत सारिया को 150 के करीब व्हीकल ट्रेन डेली लंघ दी और ऑलमोस्ट ये फाटक बंद रहता और एक बहुत वही ट्रैफिक की समस्या ये बन गई है तो इसी करके मैं आज मौके पर ये देख रहा है कि इसकी की वायबिलिटी है मेरे दार मेयर साहब आए राजनी साम खड़े है अपने ठाकुर साहब और इतने के लोग कॉन्फ्रेंस सीनियर कॉन्फ्रेंस सारे ज्ञान चंद जी खड़े गिरधी जी जे ऑलरेडी इशू में उभार दे रहे तो मैं रेलवे वाले भी सदे रेलवे ऑफिसर्स भी बेनती की वो भी आए और मैं रेलवे ऑफिसर्स ये कह के इमीजिएटली इसकी जी डिजाइनिंग है जोड़ा आर ओ बी इतने जरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जगह थोड़ी है आर यू बी जरा वो इतने वायबिलिटी उसकी है और जड़िया रेलवे दॉर्म्स है बनी है उसके तहत आर यू बी इतने बन सकता और मैं इन्होंने कहा कि इमीजिएटली इसकी डिजाइनिंग और एस्टिमेट बना के दो और जो ये दे देंगे फिर मैं इसका रेलवे मिनिस्टर साहब ने एक रेस टेकअप करें जो यस करे फिर पंजाब सरकार ने भी टेकअप करेंगे क्योंकि इस जी स्कीम के आर ओ बी या आर यू बी बनते वो 50-50 शेयर ना बनते 50% रेलवे डिपार्टमेंट देंदा 50% स्टेट गवर्नमेंट देंदा सो मैं रेलवे आया को यस करा के फिर मैं पंजाब गवर्नमेंट में गल करा ताकि उन्होंने जरा हिस्सा वो भी दे और पूरा यत्न करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो आर यू बी बनाइए और लोगों की जी इनकनवीनियंस है जी समस्या उस असी हल करना चाहते हैं असी रामनगर वासी हाँ ते मेरे नाल मेरे साथी गांधी कैंप वासी असी सारे नरक भोग रहे हैं असी बहुत दुखी हैं साढ़े आले दुआले दो पासे फाटक वा एक पासे नहर है एक पासे डी ए वी कॉलेज आ असी वेले सिर किते जगह नहीं जा सकते असी आज़ादी कहिंदे 75 साल हो गया हिंदुस्तान नूं आज़ादी मिली भारत नूं लेकिन सन असी अज तक गुलाम है असी इधर जाने फाटक है इधर जाने फाटक असी सारे मेयर साहब नूं भी रेलवे मंत्री नूं भी सोम प्रकाश नूं भी
अपना के पी साहब नूं भी सिमर पर अपने बादल नूं भी चिट्ठियां पाईआं बस तुसीं सेंटर च बैठे हैं साडा को हल कढ़ो, किसी ने हल नहीं कढ़िया। हुण साडे अज एम पी साहब चौधरी संतोख जी आए सी, उन्होंने मौका देखिया, उन्होंने सानू आश्वासन दिता भी असी तुहाडा कोई ना कोई हल कढ़ांगे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन नूं बड़ी बेनती आ, ये साडा जल्दी तो जल्दी हल किया जाए। असी फाटकां च फसे रहिंदे आ, 135 गड्डियां अमृतसर की लाइन तो लंघदियाँ तो फिरोजपुर की लाइन तो भी बहुत गड्डियां लंघदियाँ। असी सारा दिन गड्डियां ही उड़ीकी जाने कि वेले फाटक खुले, तो असी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हाँ, बहुत परेशान हाँ। किसी ने बीमारी करके जाना हो, किसी ने टाइम सिर पेपर देना हो, सानू कोई पता नहीं असी कदों पहुँचना। तो असी सानू सरकार अगे साड़ी बेनती है भी ये साडा बहुत जल्दी मसला हल करे, असी 80 साल तो यह नर्क भोग रहे हैं, ये गड्डियां वधी जानियां, साडे दुख वधी जाने। एक मेरे को सरकार अगे होर बेनती है, जिते जिते भी रेलवे फाटक होते उपर शैडा जरूर बनाओ, अद्धा अद्धा घंटा गड्डियां आउंदियां ने, लोग फसे रहिंदे आ, मीह पैंदा, धुप पैंदी आ, ते जे उपर शैडा बन जाण ते बहुत वधिया हो जाए, पता लगे वी सरकार बंदियां दा ख्याल रखदी आ। नवीआं स्मार्ट सिटी दे नवें सड़कां तोड़ तोड़ बनाई जांदे आ, पैसा वेस्ट करी जांदा, प्रोपर वे नाल वधिया तरीके नाल जे किते सरकार पैसा लावे ते असीं सरकार दे बहुत धन्नवाद आ। दो छड्डां रामनगर दे फाटक ते गाजी गुल्ले दे फाटक ते दो छड्डां जरूर बनाउण ताकि मीह च धुप्प च असीं बच सकीए। थैंक यू वेरी मच।